नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। परवलिया सरस्वती क्लब की तरफ से यहाँ पे हर साल एक बड़े पैमाने पे गणेश पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है, जो इस इलाके में काफ़ी मशहूर है। आइए जानते हैं इस पंडाल को तैयारी करने में, यहाँ तक क्या इसकी व्यवस्था में क्या क्या खर्च आई और इस बार की थीम क्या है। आइए तो हम जानते हैं यहाँ के सरस्वती क्लब के अध्यक्ष शांति भूषण यादव। सरस्वती क्लब, इस बार ये पूजा का थीम क्या है? पंडाल जो है हम लोग का अमेरिका का न्यू जर्सी बोल का एक जगह है, वहाँ पर हम लोग का विष्णु मंदिर है, लार्जेस्ट मंदिर, माने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मंदिर है आपका विष्णु मंदिर। अमेरिका का उसी पोर्टल पर तैयार हो रहा है हम लोग का इस बार। मंदिर निर्माण में टोटल लागत 10 लाख रुपया है और पूरा माने हम लोग का शोभा यात्रा और पूरा माने बजट इस बार हम लोग का पूजा का लगभग 15 लाख रुपया है। हम लोग सुरक्षा के लिए तो पहला इंतजाम है हमारा सीसी कैमरा प्रत्येक जगह पर उपलब्ध रहता है, प्रत्येक मेला से लेकर इस बार हम लोग रास्ता घाट में भी सीसी कैमरा थाना के द्वारा लगवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम लोग जो बड़ा हुजूम लेकर जो शोभा यात्रा करते हैं, हमारा टोटल सीसी कैमरा लेस एवं हम लोग हवाई जो होता है ड्रोन कैमरा के द्वारा हम लोग पूरा निरीक्षण रखते हैं। हमारे पुलिस प्रशासन यहाँ पर बहुत सहयोगिता करते हैं, साथ ही साथ सिविल वॉलंटियर का भी बहुत सुविधा मिलता है। हमारे क्लब के प्रत्येक सदस्य एवं यहाँ के पब्लिक अपना पूजा समझकर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज तक हम लोगों मेला में कोई तरह का असुविधा नहीं हुआ। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला दिन में भी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग सुरक्षा के लिए हम लोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरफ से भी कड़ी निगरानी रखते हैं। पूजा इसे पूजा के साथ साथ क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं और कितने दिन तक ये पूजा चलेगी? देखिए, हम लोग का 1 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग होने जा रहा है। हमारे 3-4 मंत्री उपस्थित रहेंगे इस मंडप को उद्घाटन करने के लिए। साथ ही साथ 2 तारीख को हम लोग का एक विशाल शोभा यात्रा हम लोग करते हैं। हम लोग भारी लेकर जाते हैं, नदी से हम लोग आते हैं, लगभग 4-5 हज़ार का हुजूम रहता है। साथ ही साथ हम लोग को कंटिन्यूसली मेला 10 दिन चलता है। 10 दिन में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप, शिक्षक दिवस, साहित्यिक, कवि, संवादिक हम लोग एक संवर्धना सभा भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आपका सांस्कृतिक अनुष्ठान नाना रकम का रहता है पूरा एकदम 10 दिन। और लोकल जो भी हम लोग का सांस्कृतिक व्यक्ति हैं, डांस क्विज वगैरह हम लोग इसको लेकर 10 दिन करते हैं। तो हम लोग पूरा 10 दिन पूजा को एंजॉय करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पूजा का मतलब एक माने आदमी का समागम। हम लोग इस मेला में प्रत्येक व्यक्ति का सपोर्ट मिलता है। इस बार 2019 साल गणेश पूजा कमेटी प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करता है कि आए, पूजा का आनंद उपभोग करें और इस पूजा में सपोर्ट करें। जिस तरह से हम लोग इसको इस पूजा को एक मानक स्थापित कर पाए हैं इंडिया लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य लेवल पर, तो आपका सपोर्ट यदि इसी तरह मिलता रहेगा, आम पब्लिक से हम अनुरोध करते हैं, तो आने वाला दिन में हो सकता है कि और हम लोग भव्य पूजा करें और आसपास इलाका में ये उत्साह रहे। ये हम सबसे इतनी बड़ी पूजा, इसमें विशेष अतिथि भी होंगे, तो क्या आप विशेष अतिथि का नाम कुछ बता पाएंगे? देखिए, हम लोग का चीफ गेस्ट के रूप में इस बार पहली बार हम लोग का सुगंधु अधिकारी आ रहे हैं, उन्होंने ही डेट दिया है 1 तारीख का। साथ ही साथ हमारे बीच में रहेंगे हमारे बर्धमान जिला से हमारे पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर मलय घटक महाशय रहेंगे, हमारे पुरुलिया जिला एवं राज्य के मिनिस्टर शांतिराम महतो रह रहे हैं, साथ ही साथ संध्या रानी टुडू भी रहेंगी, हमारे पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर हैं, हमारे सभाधिपति सुजय बनर्जी रह रहे हैं, साथ ही साथ जितेंद्र तिवारी का भी आने का बात चल रहा है, और हमारे 7-8 विधायक रहेंगे और जिला परिषद के प्रत्येक सदस्य, पंचायत लेवल, समिति लेवल, प्रत्येक व्यक्ति रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे इलाका के जितना पूजा कमेटी है और जन साधारण पब्लिक जो भक्त गणेश जी के हैं, सभी उपस्थित रहेंगे। चूंकि ये गणेश पूजा पंडाल काफ़ी मशहूर है इलाके में, तो इस पंडाल तक पहुंचे के एक सहज रूट बताइए, जाते लोग यहाँ पे आसानी से पहुँच सकें। देखिए, हम लोग का इस गणेश पूजा में हमको जो अभी तक लगता है कि झारखंड, बर्धमान जिला, पुरुलिया जिला, बांकुड़ा जिला, साथ ही साथ और पश्चिम बंगाल के कोना कोना से भी व्यक्ति आते हैं, तो हम लोग को 2-3 रूट है जो बहुत सहज रूप से आप इस मंदिर तक पहुंच पाइएगा। हमारे बर्धमान होकर यदि आप आते हैं तो डिसरगढ़ ब्रिज है,
हमारे परवेलिया और डिसरगढ़ को जोड़ता है वो ब्रिज है, एवं वहाँ से आप आइएगा तो लगभग डिसरगढ़ से हमारा 1 से 1.5 किलोमीटर मंडप पड़ेगा। हमारे सालतोरा होकर एक रूट है जो बांकुरा होते हुए आएगा हमारे यहाँ पर सरबरी मोड़ पर, वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर परवेलिया इलाका है, और पुरुलिया इलाका से भी हमारे आने जाने का रास्ता है जो पुरुलिया से लगभग 60 किलोमीटर का दूर पर हमारे परवेलिया कोलेरी है, और साथ ही साथ झारखंड से जो आते हैं बराकर भाया होते हुए उनको आने का सुविधा, और साथ ही साथ पंचेत ब्रिज से होकर आप यहाँ तक पहुँच पाइएगा।